उत्तराखंड में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ उतरने को तैयार है, जिसके लिए प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की बैठक भी शुरू हो चुकी है। जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के सभी स्थानीय निकाय चुनाव में सभी पदों के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। बिना किसी पार्टी से गठबंधन के अपने दम पर आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में उतरेगी, जिससे पार्टी को कई जगहों पर दमदार प्रत्याशी भी मिले हैं। इस बार कई निकायों में आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। हाईकमान द्वारा प्रभारी उत्तराखंड से प्रभारी प्रभारी देहरादून में आए थे, वहाँ पर पूरे प्रदेश के सभी नेताओं के सभी पदाधिकारियों की जो है वहाँ पर मंथन हुआ और उसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाले जो है नगर निगम नगर पंचायत नगर निगम में जो हम प्रत्याशी करेंगे और उसमें हम काम करेंगे, उसके अनुसार ये व्यक्ति जन की प्रत्येक विधानसभा में जो नगर पालिका जिसके अंतर्गत आती है नगर पंचायत आती है या नगर निगम आती है, जाके लोग जो है वहाँ पर वो सबसे करेंगे, लोगों को बोलेंगे, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी हम आम आदमी को सुनना चाहेंगे, आम आदमी जो जीतता है वो आम आदमी पार्टी का संदेश है। लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, तमाम जनता से भी ले रहे हैं कि जनता का दुख भी ले रहे हैं कि हम कौन इसको वो कर सकता है। हम ये चाहेंगे कि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी ही हमारा इसमें कंटेंट होगा, वही कौन ये विश्वास है कि इस बार जो है नगर निगम में हमारा खाता जरूर।